Hello everyone, my name is Tushar Rana and I am from Triple IIT CCT and I am a second year undergraduate student. तो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में चालू करे थे. मैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो उसके हमने कितने दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मन भी कर लिए थे और शॉर्ट आंसर भी हमने लगभग पूरे ही कर लिए थे. ठीक है, तो लास्ट में मैंने थोड़ा बाइंड अप टाइप कर लिया था, तो 42 क्वेश्चन तक कर लिए थे. तो हमने तीन लेक्चर ले लिए थे, एक फोर्थ लेक्चर है हमारा. तो आज ट्राई करेंगे कि हम ये पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाए. ओके, तो आपने ट्राई करा होगा क्वेश्चन, तो अच्छी बात है. बाकी हम बनाएंगे, लॉन्ग आंसर है, थोड़ा देखेंगे उसमें टाइम कितना लगता है. बाकी चलिए मैं इस टाइप से चालू करते हैं. तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फोर्थ पार्ट है मैचिंग टाइप. तो मैचिंग टाइप में क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं. पहला, मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट हमारे पास क्या, क्वेश्चन यहीं से देखते हैं हम, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं. बीई कार्बन ऑक्सीजन बोरो नाइट्रोजन. ओके, तो ये क्या दिख रहा है आपको. ये एक पीरियड के एलिमेंट है. दिस एलिमेंट्स आर अलोंग एंड पीरियड. तो एक पीरियड में ये एलिमेंट्स, ये सारे पीरियड एक ही पीरियड के हैं. तो मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, तो ऐसे कुछ है. तो हमें बस इसके एटॉमिक रेडियस देखना. तो इसका बेसिकली एक फंडा होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होती है अलोंग दी पीरियड होती है हमारी. ओके, तो रेडियस जो होता है हमारा डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड. ओके, एटॉमिक रेडियस, ये एक और अपना ऑर्डर होता है, जनरल ऑर्डर होता है, हमने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में. और हम पिछले जितने क्वेश्चंस करे तो ये बात तो आपको पूरी याद ही हो गई होगी. एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस अलोंग ऑफ पीरियड. जनरल ऑर्डर है, बस लगाना है आपको. तो कैसा होगा इसका, सबसे कम हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, कार्बन का, बेरियम का. सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का. ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर मैच करती जाएगी. सबसे ज्यादा 1 है, 11 है, तो 1 1 1 हो जाएगा इसका. बोरन का कितना हो जाएगा उस हिसाब से, 88, 74, सॉरी 77, 74 एंड 66. तो आप इसको मैच करिए, तो कैसा इसका ऑप्शनल आंसर कैसा हो जाएगा वो आप मिला लीजिए. मैं ऐसे कर लेते हैं. ओके, सबसे ज्यादा ठीक है. फिर अपना क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का सबसे कम. कार्बन का अपना कितना है, 77. बोरॉन का कितना अपना, 88. और इसका हमारा है 74. ओके, तो इस के साथ मैच कर. क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं. मैच द टाइप है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने की बात नहीं, इजी इजी हो गया सर. तो देखिए, मैच द करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ओके, तो पहला वाला क्या बोला गया, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. देखिए मैं तो आपकी तरफ से, देखिए मैं यहाँ ऑप्शन को चेक करूंगा. तो देखिए पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में बात करते हैं. मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल. मोस्ट रिएक्टिव मेटल चाहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सके इजीली. मैंने आपको बताया भी था, अगर कोई चीज रिएक्ट करे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खाली होगा और वो इजीली यानी कि शेयर कर पाएगा और रिएक्शन जल्दी हो जाएगी. ठीक है, तो अगर वो अपनी रिएक्शन अच्छे से कर पा रहा है तो उसमें आपको सबसे पहले देखना है जो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. ओके, वो सबसे कम आना चाहिए. ओके, तो ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है सेकंड का, सबसे कम, सबसे कम -48 दिख रहा है मुझे. ओके, तो ये हो सकता है. वेट, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा. ओके, तो इस तरीके से फिर अपना लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे कितनी होती है, सबसे ज्यादा होती है. ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, यहाँ पे ये है हमारी डी ए इसकी. तो थर्ड का आंसर हमारा कितना हो गया, डी हो जाएगा. ओके, क्योंकि अगर आपके पास लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो चाहेगा नहीं कि वो फॉर्म करे, वो चाहेगा कि अपनी
आपने पास के कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, ओके, क्योंकि उसके पास खाली पड़े हैं, तो वो इसकी आयनेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा है, ओके। तो डी ऑप्शन में देखिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी 2372 है। अब वहीं पे हम फोर्थ ऑप्शन देखा जाए क्या लिखा है, मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड। तो देखिए बाइनरी हैलाइड फॉर्म कर रहा है, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल रहता है एक्स एच टू एक्स सॉरी हम एक हैलाइड ले लेते हैं एक्स और एक मेटल लेते हैं एम, तो एम एक्स टू। तो इसमें क्या होता है, मेटल अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। तो दो इलेक्ट्रॉन देगा तो हमें दोनों आयनाइजेशन एनर्जी को चेक करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस आना चाहिए वो कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, डिफरेंस मस्ट बी मिनिमम। ये कुछ कुछ टर्म्स है जो आपने पढ़े होंगे और ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप इजिली ऑप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा कम डिफरेंस किस में आ रहा है, तो देखिए सी ऑप्शन में आ रहा है ना, ठीक है। और सेकंड वाले का मैंने आंसर नहीं लिखा, तो कुछ ना -328 सबसे ज्यादा वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला होगा, तो सेकंड वाले का ऑप्शन कितना होगा, बी हो जाएगा, डी हो गया। फोर्थ वाले का मैं बताया मिनिमम होना चाहिए, तो देखिए किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, देखिए 738141। इसमें देखिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, अब बचा क्या, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, तो उसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन इन कॉलम वन एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर गिवन इन कॉलम टू, मैच द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो अब हमें इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछ, तो देख लेते हैं। पहले पहला वाला ऑप्शन देख लेते, 1s2 2s2 2p6। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये बेसिकली होता है हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका जो डेल्टा एच होता है इजी, क्योंकि इसमें अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है आपको, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन देना है। तो अगर कोई अच्छे पहले से स्टेबल है उसमें आप फिर से डालेंगे तो वो तो मुश्किल है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो इसमें मोर हाई एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव टर्म में, ओके, तो पॉजिटिव आ, तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू दी है कि बस एक है, तो इसका आंसर तो डी है, पहले का आंसर तो डी, ठीक है। ऐसी से पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी सिर्फ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले में आती है। सेकेंड वाला ऑप्शन देख लेते, क्वेश्चन देख लेते, सॉरी 2p6 3s। ओके, तो इसमें देखिए एस का एक ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ तो समझ गया मैं कि अल्कली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखिए ऐसे ही होता है ना कुछ, ठीक है। तो इनकी बेसिकली क्या होती है, स्मॉल यानी कि इसकी इनकी स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी होती है, निगेटिव ही होगी वो, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। तो यहाँ पे सबसे कम क्या लिखें, -53 दिख रहा है, -53, ये उसका आ जाए। आप देखते हैं थर्ड के बारे में, थर्ड के बारे में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2p2 है, तो ये हेलोजन दिखा है मेरे को, 1s2 2s2 2p5, ये क्या दिख रहा है, बेसिकली हमारा हेलोजन है। तो हेलोजन जो होता है जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, वो चाहते हैं क्या चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना स्टेबल ऑक्सीजेशन स्टेट ने स्टेबल अपना ऑर्बिटल बना लेने की, जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होगी, ओके। तो ये आपको याद रखना, वो भी निगेटिव में, क्योंकि अगर ये निगेटिव में सबसे ज्यादा है इसका मतलब कि वो सबसे कम लग रही है, ओके, लेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि सब कम से कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो -328 इसका आंसर है, बी हो जाएगा इसका आंसर, और इसका 53 होते तो इसका ए हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं 1s2 2s2 2p4, ये हमारा किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन में थोड़ा वेरिएबल करता है, इसका -141 है, ओके। तो बचा कुछ यही है, थोड़ा हमें ऑप्शन के साथ भी देखते जाना है कि कौन सा ऑप्शन किस पे ज़्यादा अच्छे से बैठेगा, तो इससे आप स्मार्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हैं बिना कोई ज़्यादा दिमाग लगाए, ओके। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी, तो आप इसे मिला लीजिए, मैं यहाँ से पेन उड़ा के ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। -2s2 6k+48 होगी, ये हमारा कौन सा था, इसका आंसर हमारा ऐसा कुछ है,
ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 45 भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आता है, नया पेज पर लेता हूँ। देखियो, दो ही क्वेश्चन थे इसी के, तो असर्शन एंड रीजन टाइप। ओके, तो असर्शन इज द टाइप के, तो ठीक है, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट दिया और उसका रीजन दिया, अगर वो ट्रू है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, नहीं तो फॉल्स होते हैं। तो हमारे पास देखने कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, उसके बाद हम थोड़ा लॉन्ग आंसर देखेंगे। ठीक है, वो इजी इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। असर्शन ए, जनरली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप इन अ पीरियड, ओके, व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम फिजिकल क्वांटम लेवल, द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, इसमें क्या बोला गया, जो भी बोला गया, यानी कि हाँ मैं पढ़ा तो वो तो सही लगता मुझे, यानी कि इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, पूछिए कैसे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया, आयनाइजेशन जो एंथैल्पी के बारे में बात कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो इंक्रीज करती हो रहा है। ओके, तो ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये फिर उसका रीजन दिया, ये क्यों हुआ, ठीक है, तो मैं बता रहा, क्योंकि इंक्रीज इन, सॉरी, इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, पीरियड है, पीरियड में जो अपना सेल नंबर होता है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप उधर जाते हैं तो उसका साइज डिक्रीज करते जाता है, लेकिन उसके कारण हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उस सब सेल में, ठीक है, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज लगभग सेम ही होता है। ओके, ठीक है ना, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी व्हेन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि किसी एक मिनट कोई भी एक पीरियड दिया है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रहेगा। ओके, और जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब आप डालते जाएंगे, ओके, डालते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, यानी कि वो जो होता है हमारा क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इस वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ओके, तो ये आंसर इसका सही होगा, बोथ ए एंड आर, तो एंड उसका रीजन भी सेम ही होगा। ठीक है, 49 देख सकते हैं, बोरोन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम, ओके, द पेनिट्रेशन ऑफ, ये हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं, मैं आप एक भी नहीं समझाऊंगा आपको, बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती कम होती एज कम्पेयर टू बेरिलियम। ओके, तो इसके पीछे क्या रीजन है, चलिए मैं आपको मन नहीं मानता रहा, मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो बोरोन जो होता है उसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1 होता है, और वहीं बेरिलियम का क्या होता है, 1s2, 2s2 होता है। तो देखिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ यानी कि इसमें एक खाली यानी कि पार्शियली फिल्ड है, तो इसमें लेस स्टेबिलिटी है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में फंडा क्या पता है, क्या जो बेरिलियम है फुल्ली फिल्ड, तो ये रीजन है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पेनिट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस इज मोर देन द 2p इलेक्ट्रॉन मोर फील्ड, नो नो नो, इसका आंसर ए तो सही है इसका, ओके, बट वो इतना एग्जैक्ट रीजन नहीं है उसका, उसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, बोथ यानी कि ए भी करेक्ट है बी भी करेक्ट है, यानी कि ऐसा नहीं कि उसमें 2s का भी होता है, यानी कि जो अपना 2s इलेक्ट्रॉन 2p इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेशन पावर को यानी कि क्या कह सकते हैं उसे हम ओवरकम कर लेता है, यानी कहना चाहिए कि वो उसको डोमिनेट कर जाता है, 2s इलेक्ट्रॉन का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो 2p इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, पर इसके साथ साथ ये भी रीजन है कि वो फुल्ली फिल्ड है इसलिए उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आता है। तो ये आंसर 48 देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, ओके, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस निगेटिव, ओके, यानी कि वैसे तो हमेशा निगेटिव ही रहती है पर यहाँ कम होती है, ये बोला गया। तो ये क्यों होता है, बिकॉज जब ऑन मूविंग डाउन, जैसे हम डाउन जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ओके, शेल नंबर इंक्रीज करता है हमारा, क्योंकि पीरियड भी हम बढ़ते जा रहे हैं ना, एक एक सक्सेसिव पीरियड, ओके,
तो उसके कारण हमारा एटॉमिक साइज ऊपर से करके इंक्रीज करेगा। ओके, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो जब हमारे ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन, आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ओके, ये तो हमारे से मान लीजिए कि सेकेंड पीरियड हो गया। वहीं पर अगर हम फोर्थ पीरियड के बारे में बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, ये कुछ हो गया, तो ये कुछ और स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए यहाँ और यहाँ कितना डिफरेंस आ गया बॉडी की। तो एडेड इलेक्ट्रॉन लाइज अवे, तो ये दूर जाएगा, तो इसे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो उसके कारण जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम लग जाएगा, वो उतना उसको रोकेगा नहीं आने से, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है निगेटिव और वो ज्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव बात। ओके, तो इस तरीके से आप मान सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो रीजन है वो सही दिया होगा। साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ऑन द ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर। ओके, आंसर इसी के साथ हमारे असर्शन एंड रीजन टाइप भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, 6 किलोग्राम ये। ओके, लॉन्ग आंसर है। ओके, तो इसमें कितने क्वेश्चन देख लेता मैं, 49, 50, 55। ओके, 5 6 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, तो ये मुझे तो लगता है जल्दी हो जाएगा और हमारे पास टाइम बचेगा, थोड़ा रिविजन कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे जैसे जैसे हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द ट्रेंड इन द वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो इस क्वेश्चन में इसने सब कुछ पूछ लिया, ठीक है, रॉन्ग आंसर टाइप है तो वो तो पूछेगा। ओके, तो हम करते हैं इसको धीरे धीरे सॉल्व। तो इसमें बोला है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फैक्टर्स बताना है जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हमें दिखता है। ओके, तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। ओके, आर कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें से पहला फैक्टर क्या होता है, पहला फैक्टर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और उसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सी से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसे। इट्स इंक्रीज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, तो ये हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन करे, उनमें मैंने बहुत बार बताया है, तो मुझे और समझाने की जरूरत नहीं, बाकी आप इसके थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं। ओके, मेन मेन पॉइंट लिखते जाऊंगा मैं, लॉन्ग आंसर है तो मैं पूरा ऐसे 100 200 वर्ड का लिखूंगा। ओके, दूसरा एक रीजन होता है उसका, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। ओके, विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, ये सभी सभी फैक्टर्स उसके इंक्रीज करने में लगते हैं। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर आपका साइज इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ये सारे फैक्टर्स है, इसके बेसिस पे आप पीरियोडिक टेबल में आप वेरिएशन देखते हैं। ओके, तो मैं अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूछा नहीं है, मैंने ट्रेंड अभी बाद में देखेंगे, पहले अभी फैक्टर्स देखेंगे। मेन ये मेन है, थोड़ा इसको टिक मार्क कर लें, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विथ इट्स इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, ये तो ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो डिक्रीज करेगी, यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज है। ओके, अब भी देख रहे थे, जब भी कोई हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इट लीड टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट इट लीड्स टू गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द एटम ड्यू टू सिमेट्री। समझा मैं क्या बोला, अगर मान लीजिए ये ऑर्बिटल है या हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड या फिर एक ये ऑर्बिटल है और उसमें फुल्ली फील्ड है। ओके, फुल। ओके, तो इन दोनों के में क्या होता है पता है, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। ओके, जब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि उसकी कैसी होती है, कम हो जाती है। ओके,
ड्यू टू मैं बताया ना आपको, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन लेंथ पूछा, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, तो आप कॉन्फिग्रेशन निकालिए, उसके आउटरमोस्ट शेल देखिए, और अगर आपको समझ आ गया कि वो हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, पार्शियल फिल्ड है, और आपको कंपेरिजन में उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बड़ी ही है कम होगी। और वैसे इसके बारे में बात करें, हाफ फील्ड और फुल फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी डिक्रीज। ओके, तो आप चलिए मैं ट्रेंड लिख देता अलोंग पीरियड के बाद, ये सारे चीजों को देखते हैं, आप एक एक समझाऊंगा अलोंग पीरियडिक टेबल। अगर एक पीरियोडिक टेबल के बेस में इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप पर एंड इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ओके, पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगी, पर जैसे जैसे आप ग्रुप के नीचे आते जाओगे तो वो डिक्रीज करेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको देख, तो ठीक है, मुझे लगता है इतना काफी होगा मेरे एंड से, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगे तो आप वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है, डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स एंड ट्रेंड्स। ओके, इसमें आय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछते हैं, आप यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है ये भी देख लेते हैं। फैक्टर्स पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ बोल रहे हैं। ओके, पहले हेडिंग ही डाल देता हूँ। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। पहले डेफिनेशन लिखने से पहले मैं एक चीज बात लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया दिया और ये बन गया एक्स पॉजिटिव, तो उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है टेक्निकल टर्म में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको अब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं आजू बाजू बीच से तो नहीं ले सकते, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑफ एंड आइसोलेटेड, कोई भी एकदम एकदम सिंगल रिलेटेड गैसेस है इन एट्स, और वो एट ग्राउंड स्टेट में रहना चाहिए। ओके, ये बंद फिश एनर्जी और क्या चीज, इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी आर, तो इसमें पहला फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज करती है, जैसे उसका अपोजिट हो उसमें इंक्रीज करते थे डिक्रीज कर रहा था। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस देन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीजेस। ओके, अब मैं थोड़ा ऐसे लिखाऊंगा, पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड लिखूंगा, तो फिर क्या मतलब है मेरा और आप लिखेंगे। ओके, फिर एटॉमिक साइज भी एक फैक्टर होता है, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, ये एरो में इंक्रीज के लिए लगाता हूँ, नीचे वाला डिक्रीज के लिए लगाता हूँ। ओके, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा देन आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करता है। ओके, तीसरा एक फैक्टर क्या होता है, तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वहां पे भी होता है यहाँ पे भी होता है, ये तीनों फैक्टर तो सभी सेम ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जैसे जैसे ये इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ इंक्रीज नहीं करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी, क्योंकि किसी को भी रिपल्शन पसंद नहीं है, सभी एकदम खुले खुले रहना चाहते हैं। यहाँ पे भी फैक्टर है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का, हाफ फील्ड फुल फील्ड। ओके, तो जब भी हाफ फील्ड होगा या कंप्लीट फील्ड होगा तो उसमें क्या होता है पता है, इन दोनों की वजह से वहां पे डिक्रीज होता है, पर यहाँ पे इंक्रीज इन आयनाइजेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कोई यानी कि गलती से जानबूझ के ही यानी जबरदस्ती से ही इलेक्ट्रॉन फेल हो गया और वो चाह नहीं रहा,
और अगर हम उसे ऐसा कोई मेथड मिल जाए कि हम उसे निकाल के अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर पाए तो वो और अच्छा होगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एनथैल्पी ज़्यादा लगेगी हमें। और बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको पास कोई खुला एलिमेंट दिया हुआ है ऐसा 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 ऐसा, तो इसमें से निकालने में एनर्जी बहुत कम लगेगी, लेकिन अगर फुल्ली फिल्ड है तो मोर स्टेबल है ना, तो इसमें से आप जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो उसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, आप किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं तो उसमें आपको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है। ओके, ये याद है। तो बाद में हम ट्रेंड लिखते थे, अब ये चार ही होते मेनली थे, पीरियड टेबल अलोंग ट्रेंड लिख देंगे। तो जो आयनाइजेशन एंड हेल्पी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन दी ग्रुप, और वहीं पे आयनाइजेशन पीरियड के बारे में बात कर लें तो वो इंक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड। तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर के दो मेन फंडे क्लियर हो गए होंगे। ओके, 51 भी हो गए, क्वेश्चन नंबर 51 पे जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये एकदम सही बात, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कैसे बोला आपने, तो देखिए एटॉमिक नंबर दिया हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। और अगर मैं आपको जब ही से यानी जब से मैंने ये चैप्टर चालू किया था तो मैं आपको यही चीज़ बताया, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का, यू कैन नो ईच एंड एवरी थिंग एवरी इन्फो अबाउट दैट एलिमेंट। क्या लिखा मैंने, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप उसके बारे में एक एक चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल एक देता, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिससे आप फॉर्म कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी। ओके सॉरी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा, किसका लो मैं एग्जांपल, जैसे कि अल्कली मेटल के होते हैं उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Ns1 होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आया, सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +1 आ जाएगा। ओके, वहीं देखा जाए अगर मैं Ns2Np5Ya17 ग्रुप का एलिमेंट है, इसका देखा जाए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है, 7 to -1 तक के कैरी करता है। ओके सॉरी, 7 to यहाँ तक कैरी करता है। ओके, -1 से n-8 तक होता है ना, n-8 n2 n-8। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता कर पा रहे हैं, अब ये अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया सो वी कैन नो विच ऑक्साइड दे कैन फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे पास उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो हम उससे पता कर सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन ऑक्साइड कैसे बनेगा। ओके, जैसे कि हमें क्लोरीन कैसे बना लेता, क्लोरीन और ऑक्सीजन के, क्लोरीन होगा सॉरी, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्लोरीन के ऊपर +7 मान लीजिए। अभी हमें याद ले लेते हैं ये Cl2O7 एक ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और क्लोरीन हम +5 ले रहे हैं तो Cl2O5, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत सारी चीजें बता सकते। तो इसमें और एक चीज होती है केमिकल एंड फिजिकल कल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने जो कलर चेंज किया था, एग्जाम्पल फ्लेम ऑफ कलर सॉरी फ्लेम कलर, ये भी देखा था हमने, तो इस तरीके से आप देख सकते। तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होगी कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अगर हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाए, यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो हम उसकी केमिकल और फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। 52 पे आते हैं, राइट डाउन द आउटरमोस्ट
सॉरी राइट डाउन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल, हाउ विल यू जस्टिफाई देयर प्लेसमेंट इन द ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये तो बहुत ही थी, इसमें बोला गया है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्कली। ओके, ये कैसे करेंगे? तो जो ग्रुप वन के मेटल हो रहे हैं, बेसिकली ग्रुप वन एलिमेंट्स, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ओके, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ये हम कैसे पता करते हैं? दे पजेसेस, यानी उनके पास एक प्रॉपर्टी के लिए पजेसेस NS1। ये आपको ये चीज़ याद रखनी बस, इसमें ऑटोमोस्ट यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन आपको आ रहा है, तो उसमें आपको बेसिकली ये देखते हैं ना कि ऑटोमोस्ट चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, NS1। ओके, तो बस ऐसे NS1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। ओके, उसके ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS1 टाइप का होता है, और जितने भी एलिमेंट जिनका NS1 कॉन्फिग्रेशन है वो अपने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ग्रुप वन अल्कली मेटल्स, उसका अब लिखते हैं, जैसे लिखते हैं सर पहली ना की रुबिडियम सीजियम फ्रेंडशिप, कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर? ये होता है 8 करेंगे 11 हो जाएगा, 8 करेंगे 19 हो जाएगा, प्लस 8 लगाते जाते हैं, प्लस 8 लगाते जाते हैं, 19 के बाद में क्या होगा? प्लस 18 लगाते जाते हैं, 37 हो गया, प्लस 18 लगाते जाइए फिर कितना हो गया? 55 हो गया, प्लस 18 लगाते जाइए फिर कितना हो गया? 87 एटॉमिक। ओके, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कॉन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं, और उसके बाद में देख लेते हैं सबका NS1 आ रहा है कि नहीं। अगर NS1 आ रहा है तो वो ग्रुप वन के अल्कली मेटल। ओके, तो देखिए इसका क्या होता है, लिथियम का ऐसे लिखते हैं हम हीलियम 2s1 ट्रू, सोडियम का लिखेंगे नियॉन लिख दीजिए 3s1 ट्रू, ठीक है। फिर अपना पोटेशियम का लिखना, तो ये आर्गन से लिखते हैं 4s1। मैं ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखना, इसका क्रिप्टॉन से लिखेंगे 5s1। ओके, ठीक है। और फिर सीजियम का लिखते हैं, तो कितना होगा? जेनॉन 6s1, और इसका कितना होता है? मुझे याद नहीं आ रहा, एरन ऐसा कुछ होता है एक एलिमेंट, उसका 7s1 ऐसा कुछ है। तो देखिए सभी में ऑल हैव NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन आउटर मोस्ट सो अल्कली। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भी होगा, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। राइट द ड्रॉबैक इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल दैट लीड्स टू दिस इट्स मॉडिफिकेशन। ओके, तो हमें मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के बारे में बोला गया। ओके, तो देख लेते हैं ये भी। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो मेंडली वगैरह हो गया जो पुराने बोर बोर थे उनने कुछ दिए थे, ठीक है, वो सारे चीज बोला गया इसमें। एंड आपको थ्योरी आना चाहिए ये क्वेश्चन करने के लिए, सीधी बात। मेंडली ड्रॉबैक, ये सारी चीजें बात कर। मेंडली ने क्या करा था पहले पता है? मेंडली क्या करा था, अरेंज्ड, उसने अरेंज किया था एलिमेंट्स एस, यानी कि एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग उसने अरेंज करा था, अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट्स, यानी उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। अभी के पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं अपने पूरे एलिमेंट्स को। ओके, तो उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, तो वो ड्रॉबैक्स देखना, ड्रॉबैक्स टू एस पीरियोडिक टेबल। ओके, तो क्या ड्रॉबैक्स थे उसमें? पहला था जो पोजीशन था हाइड्रोजन का, वो स्पेसिफाइड नहीं था। जैसे हमारे अभी के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे ऊपर में रहता है, वहाँ हाइड्रोजन वॉज नॉट स्पेसिफाइड, हाइड्रोजन का क्या नहीं था पोजीशन, सॉरी वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन एस पीरियोडिक टेबल। ओके, तो ये अब देखिए हाइड्रोजन के बिना हम कई अभी बना नहीं सकते, ठीक है। तो भाई
जैसे कि क्लोरीन का एक एटम होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है, लेकिन उसका एटॉमिक मास कितना है? 37.5। ये क्यों आया था बताया क्या? ये आइसोटोप्स की वजह से आया, लेकिन जो इसमें था उसने क्लोरीन का नहीं लिया था, क्योंकि उसमें 37.5 वो एटॉमिक वेट यानी कि पूरा एकदम न्यू इंटीजर पार्ट ले रहा था। तो इसमें एक दिक्कत क्या थी? आइसोटोप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टेस्ट पीरियोडिक टेबल। इसने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स में इंक्लूड नहीं कर। फिर और क्या हिस्सा ड्रॉबैक था? और उसने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे ताकि कुछ नए एलिमेंट आएंगे तो वो उसको भर जाएगा। लेफ्ट एंड एस टेबल जो कि दैट येट विल बी डिस्कवर्ड, लेकिन जो डिस्कवर नहीं हुए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए उसने गैप छोड़ा हुआ था। हालांकि उसमें कुछ एलिमेंट नहीं आया था वहाँ पे, तो उसके कारण वहाँ पे दिक्कत हो गई। और क्या था? हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट उसने पहले फिल कर दिए थे देन लेस। ओके, तो ये मेजर ड्रॉबैक था, मेजर, क्योंकि जो उसका बेसिस था वही खराब कर दिया था। मेजर ड्रॉबैक लिख सकते हैं आप, ये था मेजर ड्रॉबैक। मेजर ड्रॉबैक था हायर एटॉमिक मास आर मास सॉरी एलिमेंट्स लिखना था, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिफोर द लोअर वन। इसका एक एग्जाम्पल यह था, क्या था? कोबाल्ट एंड निकल, उनकी पोजीशन उसने चेंज कर दी। तो और क्या था? एक और था उसमें जो ग्रुप 7 था हमारा। ओके, ग्रुप 7 उसका पोजीशन इनऑपरेट। ओके, पोजीशन वॉज कह सकते रॉन्ग कह सकते हैं, या फिर और इन अप्रोप्रिएट। ओके, ये सारी थ्योरी आपको याद रहेगी तो आपका आंसर बन जाएगा। तो कुछ इतने ही थे, और बाकी होंगे तो आप लिख लीजिए अपने साइड से, मुझे भी इतने याद है। 54th क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट मैनर इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटर देन द मेंडलिस पीरियोडिक टेबल एग्जाम्पल विथ। ओके, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें बोल रहा है यानी कि कह सकते हैं, इसमें बोल रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटर देन मेंडलिस। ओके, तो एडवांटेजेस देखो, पेजेस ओवर मेंडले। ठीक है, क्या थे? पहला तो बेसिक ये था, पीरियोडिक टेबल ऑफ नाउ अभी का जो हम यूज करते हैं इस अब पीरियोडिक एकदम प्रॉपर जमा हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस। तो नंबर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, 1 से चालू होगा तो बीच में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं आएगा, तो ये और अच्छी बात है। एलिमेंट्स ग्रुप्ड, ओके, एलिमेंट वर ग्रुप्ड एंड पीरियड्स एंड ग्रुप। तो इसमें क्या थे? 7 पीरियड थे हमारे एंड 18 ग्रुप थे। तो इसमें और अच्छा हमें अरेंजमेंट मिलेगा। ग्रुप जो ग्रुप था मतलब कि अभी पीरियड के बारे में, अभी ग्रुप के बारे में बात करें, ग्रुपिंग बेस्ड हुई थी ऑन बेसिस ऑन किस पे? अभी मैंने इसके 2-3 एग्जांपल के लिए यानी कि 52 पे ही समझाया, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और वो भी कहाँ पे था? कॉन्फिगरेशन हमारा कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉनिक नंबर से। तो पूरा एकदम सभी एकदम जुड़े हुए थे एक दूसरे से, तो कुछ गलत नहीं होने की कोई चांसेस नहीं थे। और यहाँ पे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, फिर अपना क्या था, रेडियो एक्टिव वर सेग्रीगेटिव, सब अलग अलग थे। ठीक है, और जो अपना उसने जो एक ड्रॉपिक था 7th ग्रुप एग्जिस्ट एंड अप्रोप्रिएट। ओके, उसकी पोजीशन भी सही आ गई और अप्रोप्रिएट भी आ गया, तो ये भी एक उसका है। लास्ट क्वेश्चन चलते, बहुत सारा थ्योरी थ्योरी हो गया, ठीक है ना?
कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री। ओके, तो क्या हो रहा है, डिस्कस एंड कंपेयर द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद दोज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें बोला गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की, और उनमें जो ट्रेंड है उसके बीच में हमें डिस्कस करना है कि क्या डिफरेंस है। ओके, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो इंक्रीज करती है बेसिकली, क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और शील्डिंग इफेक्ट है, नहीं कि अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, अलोंग अ ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हमारी इंक्रीज करती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अभी उन्होंने पहले ऊपर के कुछ 50 और 51 क्वेश्चन में हमने यही पढ़ा है, 51 और शायद 49 था, उसमें हमने यही चीज पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हमने पढ़ा। ओके, और एक और रीजन था ड्यू टू डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। ओके, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगी, उसके कारण भी ये बढ़ता है। ओके, अब ग्रुप वन की बात करते हैं। ग्रुप वन में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ओके, मेजर क्या होता है, ग्रुप वन हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर्ड टू ग्रुप 17। ओके, ग्रुप 17 से कम होती है ग्रुप वन की आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, क्यों? क्योंकि जब ग्रुप वन का एक इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा, इट विल अक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए, जो ग्रुप वन हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है NS1 टाइप का होता है। ठीक है, ग्रुप 17 के बारे में बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NH2 एंड P5 टाइप का होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वो मान लीजिए कुछ एक एलिमेंट ले लेता है एक्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है NS1, तो एक्स में से आप एक्स पॉजिटिव बना के एक इलेक्ट्रॉन निकालिए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, NS0, और NS0 हो गया तो ये अक्वायर कर लेगा अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो देखिए, अगर आप किसी चीज को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाए तो वो मोर स्टेबल बन गया, और अगर मोर स्टेबल बन गया तो हर एक बंदा चाहता है कि स्टेबिलिटी चाहिए उसे, तो वो ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेगा। तो जैसे उसको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कहीं पे जरूरत पड़ी तो वो फटाक से दे देगा। सो लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन वहीं पे हम बात कर ले NH2NP5 17 के बारे में, तो इसमें देखिए 5 है, तो इसका कुछ एलिमेंट लेते हैं एम, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस में एम प्लस बना लिया। ठीक है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, NH2NP4। तो इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं कि हम इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम दे तो हो जाए, पर इसमें देखिए 1 2 3, ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसमें जो पहले स्टेबिलिटी थी उससे तो कम हो जाएगी। तो इसमें अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन मोर, सो वी नीड टू गिव मोर आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, तो यही एक रीजन था बेसिकली, फंडा है यहाँ पे, फंडा ग्रुप वन एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। ओके, तो ये ही था, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 के पूरे 55 एग्जाम्पल क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये नीचे में आंसर्स दिए, आप सारे आंसर्स मिला सकते हैं, हमने जो सॉल्व करा मुझे तो लग रहा है मैंने सही सही किया होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, तो अभी हम थोड़ा और कुछ देखते हैं, तो देखो अभी तो हमारा ये एंड हो गया एंड। ओके, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट का रेस्ट ले रहा, फिर मैं कुछ अच्छे अच्छे यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने के अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता हूँ कुछ, और कुछ यानी कि थोड़ा
थोड़ा समरी टाइप देख लेंगे 10-15 मिनट। ओके तो आप भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या कर रहे हैं आप। तो देखिए हमने चैप्टर 3 के पूरे 55 क्वेश्चन कर लिए। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड भी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जो हमने अच्छे से किए, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। तो थ्योरी पार्ट था उसमें, आपको थ्योरी आती होगी तो और अच्छे से आपने कर लिया होगा, और जिनको थ्योरी नहीं आती होगी वो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बन जाएगा। ओके तो मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मैं आपको समझा था कुछ कुछ। देखिए कुछ जेई के कौन से था जो मैं यूज करता था मेरे टाइम पर। तो अगर आपके पास हाँ, तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आते थे क्वेश्चन टाइप, लाइक कैसे होते थे, एक आ रहा था ऐसे क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ओके तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप हर एक पीरियड के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो टाइम लगेगा। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता था, जैसे कि अगर इसमें दो पार्ट आते, पहला ए, इफ अ पीरियड इज ऑड, अगर अगर पीरियड नंबर पीरियड सॉरी नंबर ओके अगर पीरियड नंबर ऑड है, जैसे कि कैसे हो गया, एन ट्वेल्व 1 हो गई, एन इक्वल टू 1, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड कैसे कैलकुलेट। तो इसका एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, 2 × n+1 / 2 का होल स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, आपको बस अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, अगर पीरियड नंबर एन एग्जाम्पल के ले लेते हैं, n = 3, तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 × 3 + 1 / 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। देखिए ये 3 2 अंदर है, ओके ये याद रखिएगा। तो 3 + 1 4, 4 / 2, 2 × 2 4, 4 2 8, ठीक है 8 एलिमेंट्स। तो आप देख लीजिएगा n = 3 जो पीरियड होता है उसमें। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये 2 अंदर था या डाउट बाहर था, जैसे n = 3, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी अंदर ही था, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 सॉरी 8 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो 8 एलिमेंट्स आ गए। तो आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, वो तो अपना था ही, फर्स्ट सेकंड वाला था, लिथियम बेरिलियम फिर वो बोरोन वाला था, और आज के नीचे वाला आप चेक कर सकते हैं। यहाँ एन क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब वहीं पे हमारा एफ एन की वैल्यू अगर इवन आ गई, यानी कि नंबर ऑफ यानी क्वांटम नंबर अगर हमारे पास इवन आ गया, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना होता है वो, 2 × n + 2 / 2 का होल स्क्वायर, ये भी अंदर ही है, इसमें एन की वैल्यू हम में +2 करते हैं। ओके तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। और कुछ मैं बताता आपको, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आपको इजीली आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड देख सकते हैं, एक और पेज खोलता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या है, वो मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना, तो उसमें एक टॉपिक था जो मेरे को दिख रहा था, लेंथ एनर्जी, यानी कि जो जो चीज थोड़ा सा ना किसी बंदे को समझ नहीं आती वो चीज बता रहा हूँ। लेंथ में कंट्रैक्शन, सॉरी इसको अच्छे से लिखता हूँ, हाँ हेडिंग डाल के लिखता हूँ। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं उसमें ये बहुत मेजर है। ओके जहाँ से हमारा लैंथेनाइट सीरीज चालू होता है वहाँ की बात करें, तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन में क्या होता है, ट्यूब टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, जहाँ से कहाँ से चालू होता है, 17, जो टेंटलम होता है, टू एटॉमिक नंबर कहाँ तक के, पीबी एक होता है 81 या 82 होता है शायद तक के, मुझे याद नहीं, 82 होता है शायद तक के। ओके तो टेंटलम से ट्यूबिनियम तक के इनका दे हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एस कंपेयर टू एलिमेंट प्रेजेंट अबाउट 8, यानी कि ये जो पीरियड होता है हमारा लेंथ में, उसमें ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा इनकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ओके तो जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 13th ग्रुप हो गया, 13th ग्रुप हो गया ग्रुप,
13 ग्रुप में जो हमारा क्या होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तो उसमें ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. ओके, तो ये याद रखिएगा, पर इसे हम समझ सकते हैं. तो देखिए इनके एटॉमिक नंबर लिख दो, तो ये टेल्यूरियम जो है 81, देखिए टेल्यूरियम कहाँ आया, तो 82 के पहले आ गया, तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी शो करेगा. तो देखिए इसका बेसिक ऑर्डर कैसा होता है पता है, इनमें चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चल जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए. लेकिन यहाँ पे भी एक डिफरेंस आता है, ये क्यों आता है, ये फर्स्ट एक्सेप्शन मान लीजिए आप, और ये सेकंड वाला, सेकंड एक्सेप्शन ड्यू टू लैंथेनॉल, लैंथेनॉल की वजह से आ गया. तो इसका ऑर्डर क्या होता है, बोरोन, फिर टेलियम, फिर गैलियम, रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता बड़े से, थोड़ा अच्छा बोरोन, बोरोन का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्स करती होगी. टेलियम का इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि वो अपना लेंथ एंड कंडक्शन की वजह से. फिर गैलियम आता है क्योंकि एल्यूमिनियम का और कम हो जाएगा, सब एक्सेप्शन हैं इंडिया. मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो लेंथ एंड होता है, यानी कि 78 to 82 के बीच के जो एलिमेंट होते हैं उनकी उनके ऊपर वालों से ज्यादा होती है एनर्जी एनर्जी. ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये स्कैंडियम हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो ये देखिए ये तो इधर आना था पर ये इधर आ गया, वही लेंथ एंड कंडक्शन की वजह से. ये सब हमारा ऑर्डर ऑफ आयनाइज एनर्जी. ओके, तो ये एक और अच्छा टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया. और कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देखा था मैं. तो इसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करते हैं. आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करते आती क्या, तो ऑन एफिनिटी. तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसी टाइप से होता है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाइयर होगी तो वैसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 5/2 RT से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कम करना पड़ता है. तो इसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT. तो आपने क्या लिखा, देखिए चेन ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लिखा. तो इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकली डेल्टा एच इजी ई हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. कैसे हुआ, जब आप इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये और 5/2 RT को जब आप प्लस करते हैं तब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है इसलिए वहां पर माइनस माइनस लगा हुआ है. ओके, और ये कितने से होती है, बाय 5/2 R × T, ये हमारा वो कॉन्स्टेंट हो गया गैसेस का, और ये टी टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा था. तो ये, और जो हमारा डेल्टा एच ई जी होता है वो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर ही होता है, यानी हम उसको ऐसे उसके इससे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो साइंस होती है वो बस अपोजिट होती है. इतना याद रखना आपको, अपोजिट साइन. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते. और क्या पढ़े हैं आप, कुछ आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ ट्रिक दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको इजीली याद रहे आयनाइजेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. और टिप्स तो चेक ऑर्डर, तो एक वो होता था, मैं एक थंब रूल फॉलो करता था, यानी कि मैं ऐसे क्या कहते हैं अपना नोमेनक्लेचर ऐसे थोड़ा नाम से मैं ऐसे लिख के रखा अपने, जब मैं नोट्स बनाता था शार्प करके, तो इससे मैं सारी चीजें बता सकता था आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसमें क्या होता था, तो जो अपना एस होता था इससे ही डिनोट करता था स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो आपको जब जब आयनाइजेशन एनर्जी के साथ आप शार्प लगा दीजिए, अगर वहां से आप ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी देख सकते हैं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोफेशन, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्स प्रोफेशन, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इससे कर सकते हैं. क्यों, कि एस जो जेड इफेक्टिव होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे को सिग्मा के, और सिग्मा तो हमारा यही है. ठीक है, तो ऐसा तो सिग्मा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, तो इससे हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी.
तो देखिए इससे हमारा क्या क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ गया, जेड इफेक्ट भी आ गया, इफेक्ट इंक्रीज आ गया, तो इस तरीके। अब वही हम एच के लिए देखें, तो एच क्या होता है हमारा, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको कि ये क्या लिखा है मैंने, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया नीचे। ओके, फिर ए के बारे में चलते हैं। ए फॉर एटॉमिक रेडियस, तो इससे आप एटॉमिक रेडियस देख सकते हैं, क्योंकि अगर रेडियस इज इनवर्सिबल तो आयनाइजेशन, जितनी ज्यादा आपकी रेडियस होगी उतनी कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये उस तरीके से। अब हम बी का देख लेते हैं। बी से क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर होता है, रेडिएशन पावर। तो बेसिकली इसका रूल ऐसा रहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, और मैं नीचे लिखा देता पेनिट्रेशन पावर क्या होता है। तो जो पेनिट्रेशन पावर होता है बेसिकली किसी एक ऐसा शेल हो गया हमारा, इस पे एस हो गया, ए हो गया, पी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो इस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी पावर होती है वो किस स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है, ये इससे डिनोट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है पता है, एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, पी का फिर ज्यादा, डी का सबसे ज्यादा, एफ सबसे ज्यादा। मैंने कहना चाह रहा है कि अगर देखिए एस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है और आप इन दोनों को छोड़कर आप इसमें का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि वो सबसे अंदर है, वो न्यूक्लियस से बहुत जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग थ्री अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस। तो इसलिए वहां पे आपको टू गिव मोर आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सबसे जो पास में होता है वो शेल, उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा है, तो इस तरीके से। तो देखिए आप जब जब भी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी बोले, शार्प लगा दीजिए, आप सारे आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए और हमारा चैप्टर थ्री के पूरे एग्जाम्पल क्वेश्चंस हो गए, और हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखी, और कुछ मैंने नया टॉपिक, नया एक फॉर्मूला भी लिखवा दिया था आपको, नम हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलॉन्ग अ पीरियड। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।